allow me to reintroduce myself. They call me J-O-A to the easy E-N. Know that we undefeated, y'all are beneath them speechless, trying to air a grievance. But his lines are overhead, better check the air for clearance. Call the tower, this is ours, clear the heat, the air apparent. Really, I've never been better. Legacy, this is forever. All the more times I've been severed, I'm raising the bar, you can go ahead and measure. Think about time for a toast. Time that we welcome to. What is up YouTube? तो आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ दैट इज जिम में वापस कैसे जाना है. लाइक अब इंडिया में जिम्स खुल रहे हैं इस हफ्ते अगस्त 5 को और बाकी जगह वर्ल्ड में कई जगहों पे मोस्ट जगहों पे जिम्स खुल चुके हैं. तो मैंने सोचा कि अब ये परफेक्ट टाइमिंग है एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें मैं आपको बताऊँ कि हाउ टू गेट बैक जो आप हाउ टू गेट बैक इन टू वर्किंग आउट. तो जो लोग पहले जिम जाते थे वो एक कंसिस्टेंटली जिम जा रहे थे और फिर इतना बड़ा ब्रेक हो गया कि जिम्स बंद हो गए. सबके पास होम वर्कआउट्स नहीं थे, सबके पास होम जिम्स नहीं थे, सबके पास एक जरिया नहीं था वर्कआउट करने का. तो अब उन लोगों को क्या करना चाहिए टू मेक श्योर कि वो एफिशिएंटली अपने वापस अपने वर्कआउट्स करने लग जगे जैसे वो पहले करते थे जब जिम बंद हुए थे. एंड हाउ टू गेट द गेन्स बैक एज फास्ट एज पॉसिबल, क्योंकि ये चीज सबको चाहिए. सबसे जल्दी सबको गेंस चाहिए. तो मसल मेमोरी इज अ रियल थिंग. तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उस मसल मेमोरी को यूटिलाइज कर सकते हो जो आप जिम्स बंद होने से पहले जो आपकी बॉडी थी, हाउ टू गेट बैक दैट बॉडी एंड इवन गेट बेटर इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम. तो नंबर वन हम बात करेंगे कि जब आप जिम्स खुल रहे हैं सबको एक्साइटमेंट है और सबको मतलब पूरा वर्कआउट करना है अच्छे से. एवरीबडी इज एक्साइटेड कि हम लोग अब पीआरस करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे. बट नंबर वन थिंग इज Do not focus on peers. Do not focus on strength. It doesn't matter. For first few weeks, मैं तो ये बोलूँगा कि almost a month, do not focus on strength. आपका main purpose ये होना चाहिए to stimulate the muscle just right, but not hit failure. That's the number one goal. क्यों? क्योंकि अभी आपकी body इतने time से workout नहीं कर रही है, तो वो prime नहीं है to train that intense. इंटेंसिटी एक बहुत जरूरी चीज होती है मसल ग्रोथ के लिए, क्योंकि विदाउट इंटेंसिटी योर मसल्स आर नॉट गोना ग्रो. बट ये ऐसा टाइम है जिसमें आपको इंटेंसिटी की जरूरत नहीं है. विदाउट बीइंग इंटेंस यू कैन ग्रो मसल. एंड वही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको करना है. थिंक ऑफ इट कि जैसे एक स्प्रिंटर होता है. अगर आप लोग स्प्रिंटर नहीं, जैसे आप लोग अगर आप रनिंग करते हो स्कूल में, जब रनिंग करते थे जब समर की छुट्टियां होती थी और आप वो रनिंग नहीं करते थे, क्या क्या होता था? You will get sore in your legs. You won't be able to run as much. But अगर आप consistently वो चीज़ कर रहे हो, it's not a big deal to run like जैसे मैं हमें पांच सुबह पांच राउंड लगवाते थे जब हम क्रिकेट खेलते थे. कोई बड़ी बात नहीं होती थी. जब मेरी क्रिकेट की प्रैक्टिस छूट गई 11th 12th में, तो पांच राउंड मारने के बाद नेक्स्ट एक हफ्ते तक पैर सोर रहते थे. तो सेम थिंग, वही लॉजिक है यहाँ पे. हमें ये करना है कि अपने मसल्स को ग्रो करना है, फैट को लूज करना है. बट एट द सेम टाइम हमें इतना इंटेंस ट्रेन नहीं करना कि हम बाकी एक दो हफ्ते तक सोर रहे और ट्रेन कर ही नहीं पाए. सोरनेस इज नॉट इक्विवेलेंट टू गेन्स. हाँ, आप थोड़ा सोर हो गए क्योंकि सडनली आपका डॉम्स इफेक्ट आएगा और आप सडनली आप वर्कआउट कर रहे हो इतने टाइम ऑफ होने के बाद. बट इट शुडन्ट बी टू अ पॉइंट कि आप बिल्कुल वर्कआउट कर ही नहीं पा रहे हो, बिल्कुल बेड से उठ ही नहीं पा रहे हो. दैट्स नॉट द पॉइंट. सो व्हाट आई एम गोना से इज, अगर आप जो भी आप अपना वर्कआउट पहले कर रहे थे, लेट्स अज्यूम कि आपका एक चेस्ट वर्कआउट था जिसमें आप पांच एक्सरसाइजेस कर रहे थे, जिसमें आप हर एक्सरसाइज के चार सेट कर रहे थे, इट्स एन एग्जांपल. तो अगर आप वही वर्कआउट अगर आप दोबारा करना चाहते हो, आई वुड से कि आप हर एक्सरसाइज के दो से तीन सेट करो, नॉट टू फेलियर. तो अगर आप 10 से 12 रेप्स कर रहे हो, मेक श्योर कि आप वो वेट यूज करो जिससे आप ऑलमोस्ट 20 रेप्स कर सकते हो, बट यू आर डूइंग इट ओनली 10 टू 12 रेप्स. तो मतलब मैं चाहता हूं कि आप प्लीज 4 to 6 रेप्स कम करो जो आपका फेलियर रेप्स है. उससे क्या होगा कि आप यस वहां जाके मसल को स्टिमुलेट कर रहे हो, मसल को बोल रहे हो कि अच्छा चलो इट्स टाइम टू गेट बैक. अब ये टाइम आ चुका है कि आप दोबारा से ग्रो हो, दोबारा से आई एम गोना बी यूजिंग यू. तो दैट्स हाउ यू गोना ट्रेन. पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते आप उसको 2-3 रेप्स फेलियर से पहले कम कर दो. ऐसे आप एक और हफ्ते करो, एक और हफ्ते करो, एक पूरा महीना यू आर नॉट गोना हिट फेलियर. यू आर ओनली गोना ट्रेन टू गेट अ पंप. और आपकी जो वॉल्यूम होगी वर्कआउट में कितने सेट्स होते हैं वो भी आप ऑलमोस्ट 50-75% कर सकते हो. तो अगर आप हाई वॉल्यूम वर्कआउट करते हो जिसमें आप एक वर्कआउट में 35-30 सेट करते हो, आप उसको कम कर दोगे 15 सेट में. और अगर आप 15-20 सेट वाला वॉल्यूम वाला वर्कआउट कर रहे थे जो कि लो वॉल्यूम वर्कआउट होते हैं, आप उसको 75% कर दोगे. तो 10-12 सेट्स ओनली. यस, आप जिम में कम टाइम स्पेंड करोगे, यस उतना अच्छा नहीं लगेगा, यस वो मेंटली कि हम उतना स्ट्रांग नहीं है,
I get it, but this is very important. अगर आपको अपने maximum gains in short amount of time चाहिए तो number two चीज़ है use more machines during this time. आप compound movements करो, it's great, but पहले महीने, पहले at least दो हफ्ते आप ज़्यादातर I would say 75% machines करो. Machines workout करो, for example अगर आपका leg workout है, आप machines leg extensions करो, leg curls करो, उसके बाद आप leg press करो, उसके बाद आप squats करो. और जब आप squats करो, don't hit failure, just make sure कि आप ये time use कर रहे हो अपनी form को develop करने के लिए. तो form is very important. इस time पे आपका main concern होना चाहिए mind to muscle connection without hitting failure. So अगर आप मान लो दो प्लेट आप स्क्वाट पे कर रहे थे, दो प्लेट स्क्वाट आप आठ रेप्स के लिए कर रहे थे, I want you to do कि एक without any weight आप 15 से 20 reps करो as a warm up and just focus on form, slow tempo, focus on form, not to failure. Next set उसमें आप 25 pound के आप डालो जो कि 10 kilo के एक side पे, again 12 से 15 rep, not to failure, 5 से 6 rep आप कम करोगे failure hit करने के लिए, but you're gonna focus completely on form. उससे क्या होगा, जब आप हर हफ्ते अपना वेट थोड़ा सा इंक्रीज करोगे, जैसे आपने पहले मान लो आपने पहले हफ्ते 25 पाउंड 10 किलो दोनों साइड डाले, दूसरे हफ्ते आपने उसको 10 पाउंड और बढ़ा दिए, तो 5 किलो आपने और बढ़ा दिए, और फिर आपने 2-3 रेप्स ज्यादा करे, ऐसे करते करते आप एक महीने तक ये आप करोगे तो आपकी फॉर्म इतनी परफेक्ट हो जाएगी कि जब आप वो हैवी वेट जाओगे दो प्लेट वाली, आपकी फॉर्म जो आप पहले कर रहे थे उससे कई गुना बेटर होगी, आपका मसल स्क्वीज बेटर होगा and you will be able to incorporate more muscle fibers. So that's very very important. और ये time best time है to really focus on form and learn the technique to grow. कोई भी जाके fast reps कर सकता है, कोई भी जाके ऐसे 10 reps मार सकता है. The real technique is to squeeze it, squeeze and feel the muscle. कुछ लोगों के लिए वो टेम्पो 2 सेकंड की होती है, कुछ लोगों के लिए वो 4 सेकंड की होती है, कुछ लोगों के 6 सेकंड की होती है, वो सबके लिए ज़्यादा डिफरेंट होता है, बट द मेन थिंग इज कि आपका माइंड मसल कनेक्शन कैसा है एंड आर यू रियली एबल टू स्क्वीज दैट मसल. ये टाइम आप उसके लिए फोकस करोगे एटलीस्ट फर्स्ट मंथ. तो ये होगा वर्कआउट की बात. अब आप बात करते हैं न्यूट्रिशन की. न्यूट्रिशन के लिए मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों को भी ये पता है हाउ टू कैलकुलेट द मेंटेनेंस कैलोरीज, आई वॉन्ट यू टू ईट मेंटेनेंस कैलोरीज फॉर 1 month. यस, मेंटेनेंस कैलोरीज आप जब यूज करोगे आपकी बॉडी रिकॉम्प करेगी, थोड़ा सा फैट लॉस होगा, थोड़ा सा मसल गेन होगी. वो इसलिए होगा क्योंकि इट्स अ शॉक टू योर सिस्टम. आपकी मसल मेमोरी किक इन करेगी, आपकी मसल्स ग्रो करनी शुरू कर देंगी, बट एट द सेम टाइम बिकॉज आपकी एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, यू विल बी एबल टू लूज फैट एंड गेन मसल एट द सेम टाइम. दिस इज द ओनली टाइम वेयर इन यू विल बी एबल टू डू दिस as long as you eat in your maintenance calories. अब ये इसके लिए मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा how to calculate the maintenance calories, but जिनको आता है highly recommend you do this. और उससे भी better results आपको मिलेंगे carb cycling से. तो जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी है carb cycling के ऊपर, I really highly highly recommend कि आप वो वीडियो check out करो, carb cycling इस समय पे incorporate करो, and you will be, I guarantee you, you will be able to lose fat and gain muscle in the next 4 weeks to 6 weeks. और जो एक और आता है टू इनकॉर्पोरेट कार्डियो, कितना कार्डियो करना चाहिए, नॉट दैट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी टाइप. मैं एक आंसर नहीं दे सकता, कई लोगों का फास्ट मेटाबॉलिज्म होता है, कई लोगों का कम होता है, डिपेंड्स ऑन यू, बट आई वुड स्टिल से टू डू अबाउट 20-30 मिनट्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज जस्ट टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ द रिकॉम्प दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. जो आपकी कार्डियो इज वेरी बेनिफिशियल टू गेट योर मेटाबॉलिज्म गोइंग अगेन, और फिर आपकी एंड्योरेंस कम हो चुकी होगी इतने महीने वर्कआउट करने से, नहीं करने से. तो जब आप कार्डियो करोगे आपकी वर्कआउट्स भी ज्यादा इंटेंस हो पाएंगे. जब आप सुपर सेट्स, ड्रॉप सेट्स एक महीने के बाद करोगे, अगेन दीज थिंग्स यू डोंट वांट टू डू राइट नाउ. कोई सुपर सेट नहीं करना, कोई ड्रॉप सेट नहीं करना, नन ऑफ दिस. सिंपल 4-5 एक्सरसाइजेस, 2-3 सेट, नॉट टू फेलियर, 5-6 रेप्स लेस देन फेलियर इज व्हाट आई वांट टू डू फॉर 1 month. एंड नाउ व्हाट वी गोना टॉक अबाउट इज हाउ टू गेट इनटू द माइंडसेट ऑफ वर्किंग आउट. जो माइंडसेट है आप सबका, मैंने अभी बोला कि आप सबको वहां जाके बिल्कुल सब लोग मोटिवेटेड है, सुपर मोटिवेटेड है, सबको सप्लीमेंट्स यूज करना है, सबको अपना वो गेन्स वापस चाहिए, सबको सबसे अच्छा दिखना है. आई वॉन्ट टू बी पेशेंट. ये एक वेरी पेशेंट प्रोसेस है. जो लोग पेशेंट रहेंगे वही रहेंगे, नहीं तो इंजरी होने के बहुत 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 हाई चांसेस है.
क्योंकि आपकी मसल्स अभी उतनी वो लूज नहीं है, दे आर टाइट, दे आर स्टिफ, दे आर नॉट यूज टू वर्किंग आउट. अगर आप ज्यादा हार्ड वर्कआउट करोगे, इट्स डेफिनेटली गोना गेट इंजर्ड. मैं खुद अपने आप को ये कर चुका हूँ. जब मैंने पहले साल वर्कआउट करना शुरू किया था, मेरे एग्जाम्स हुए थे फर्स्ट ईयर में, और उस एग्जाम्स के टाइम में मैंने 3 हफ्ते तक मैंने वर्कआउट करना बंद कर दिया था. एंड जैसे ही वो एग्जाम्स खत्म हुए, आई वेंट बैक, दूसरे ही दिन मुझे शोल्डर इंजरी हो गई थी. ये मेरा पहले साल बॉडी बिल्डिंग था, वो इंजरी मेरे एटलीस्ट 6 महीने तक रही थी. सो आई डोंट वांट यू टू डू दैट मिस्टेक. सो डू नॉट डू दैट, स्टे पेशेंट, एंजॉय द वर्कआउट, इट विल ऑल कम बैक. और दूसरी चीज जो मुझसे लोग बहुत पूछते हैं, वो है हमें कितना टाइम लगेगा जो हम पहले दिखते थे वैसे दिखने में. तो देयर इज नो वन आंसर, बट अगर आपने 2 महीने का ब्रेक लिया है या 3 महीने का ब्रेक लिया है, आप उसको 50% कर दो. इट्स एन अप्रोक्सीमेट नंबर, आपका सबका डिपेंड्स ऑन आपकी बॉडी कितनी होल्ड ऑन करती है मसल्स को, कितना आप कैसे आपके जेनेरिक्स हैं. कई लोग एक्टोमॉर्स हैं, कई लोग मीजोमॉर्स हैं. मीजोमॉर्स ऑब्वियसली जल्दी मसल को गेन करेंगे, एक्टोमॉर्स नहीं कर पाएंगे इतनी जल्दी गेन, बट वो लीन रहे होंगे इन 3-4 महीने की ड्यूरेशन में है. हाउएवर एंडोमॉर्स इतना लीन नहीं रहेंगे. सो इट्स अ होल डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. बट अप्रोक्सीमेटली अगर आपने 3 महीने का ब्रेक लिया है, तो आप मान लो आपको 4 से 6 हफ्ते लगेंगे अपनी पुरानी बॉडी तक, पुरानी स्ट्रेंथ एंड पुरानी अपेयरेंस जो फिजिक है वहां तक पहुंचने में अप्रोक्सीमेटली. कई लोगों को हो सकता है 4 हफ्ते लगे, कई लोगों को हो सकता है 8 हफ्ते लगे, बट दैट्स द अप्रोक्सीमेट. सो अगर 2 महीने का आपने ब्रेक लिया, तो हो सकता है आपको 3 हफ्ते लगे, 4 हफ्ते लगे, बट 6 हफ्ते भी लग सकते हैं, बट अप्रोक्सीमेटली 4 वीक्स. सो 50% ऑफ वॉट एवर ब्रेक यू हैव टेकन इज हाउ लॉन्ग. तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ. जब मैंने 2 हफ्ते का भी ब्रेक लिया हुआ है, मैंने 1 महीने का भी ब्रेक लिया हुआ है, मैंने 2 महीने का भी ब्रेक लिया हुआ है, और मेरे जो एक्सपीरियंस के हिसाब से ये लगता है कि जब मैंने 2 हफ्ते का लिया था, मुझे सिर्फ 1 हफ्ता लगा था अपने गेट बैक ऑन द स्ट्रेंथ. एंड ऐसे ही जब मैंने 2 महीने का लिया था, मुझे 1 महीना लगा था. सो आई होप कि दिस वीडियो रियली हेल्प. आई एम रियली हैप्पी कि इंडिया में जिम्स खुल रहे हैं, सब लोग जिम से वापस जा रहे हैं. इट्स अबाउट टाइम टू यू नो गेट बैक आवर फिजिक्स, टू गेट बैक आवर मेंटल हेल्थ. बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस का ऑब्वियसली बहुत बड़ा असर होता है मेंटल हेल्थ के ऊपर भी. सो आई एम फाइनली ग्लैड कि सब जगह अब जिम्स खुल रहे हैं, वर्ल्ड इज फाइनली गेटिंग बैक टू नॉर्मल होपफुली. आई रियली होप कि अब इसके बाद कोई और शॉक नहीं हो एंड एवरीथिंग गोज बैक टू नॉर्मल. एंड I hope you guys like this video, and if you have any questions, जिनको भी कोई भी questions हैं, आप अपने comment section में डालो. Video upload करने के पहले 2 से 3 घंटे, almost even 4 घंटे में ज़्यादातर comments को पढ़ता हूँ, reply करता हूँ, and इस वाली video के लिए specifically मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा लिख सकूँ. So see you guys next time. Comment, subscribe, and happy lifting.